प्रदेश सरकार के द्वारा पत्रकारों की मान्यता नीति में संशोधन करने के खिलाफ हमीरपुर जिला मुख्यालय में प्रेस क्लब हमीरपुर व NUJ के संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने ADM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और सरकार से पत्रकारों के हित में कदम उठाने की मांग की गई है। प्रेस क्लब हमीरपुर के अध्यक्ष दिनेश कंवर व NUJ के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज भारती की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने ADC जितेंद्र सांस्टा को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश सरकार से पत्रकारों के हित में नीति बनाने के लिए मांग की गई है। पंकज भारती ने कहा कि पत्रकारों के लिए सरकार को नीति बनानी चाहिए और साल 2016 की ही नीति को यथावत लागू रखते हुए पत्रकारों के हित में काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला व उपमंडल स्तर पर मान्यता समाप्त नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आज जिला स्तर के अलावा उपमंडल स्तर पर भी सरकार को ज्ञापन भेजे गए हैं ताकि इस निर्णय को वापिस लिया जा सके। उन्होंने कहा कि नई मान्यता नीति में पत्रकारों को कोई भी लाभ नहीं होगा और नई नीति निर्धारण करने से बहुत कम पत्रकार इसके दायरे में आएंगे। इस अवसर पर वरिष्ठ संवाददाता अरविंदर सिंह, रविंदर सिंह, प्रवीण कुमार, नीलकंठ, जसवीर कुमार, अश्विनी वालिया, उमेश सिंह, विशाल राणा, राजीव, अश्विनी चौधरी, पवन, शुभम, विधिचंद इत्यादि मौजूद रहे। यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जिला हमीरपुर और प्रेस क्लब हमीरपुर के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ज्ञापन जिला प्रशासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया। ऐसी सूचनाएं मिली हैं प्रदेश के लोक संपर्क विभाग की ओर से कि प्रदेश सरकार प्रदेश के पत्रकारों की मान्यता और प्रत्यायन की जो एक नीति है उसमें संशोधन करने जा रही है। इसमें माननीय उच्च न्यायालय में एक केस लगा था, उसका हवाला दिया जा रहा है। सभी पत्रकारों की ये पुरजोर मांग है कि प्रदेश सरकार पत्रकारों के हित में नीति बनाए। पत्रकार भी, जैसे वर्तमान का दौर चला हुआ है, कोरोना काल का दौर चला हुआ है, तो पत्रकार भी फ्रंटलाइन वर्कर की तरह अपनी जिंदगी को दांव पे रखकर जो है वो समाज को सूचनाएं पहुंचाने का, समाज के बीच में जानकारी उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। प्रदेश सरकार जो नीति निर्धारण करने जा रही है उसमें ऐसी सूचना है कि पूरे प्रांत में एक समाचार पत्र से मात्र एक ही पत्रकार को जो है वो मान्यता या प्रत्यायन मिलेगा, यानी कि एक्रेडिटेशन या रिकॉग्निशन मिलेगी। तो ये जो नीति है ये पूरी तरह गलत नीति होगी, क्योंकि पत्रकार जो है वो अधिकांश कार्य जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिवीजन लेवल पर होता है। बिल्कुल शिमला में भी कार्य होता है, शिमला हमारा मार्गदर्शक होता है, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि शिमला में पत्रकारों को और अधिक संख्या में जो है वो मान्यता मिलनी चाहिए, परंतु जिला और उपमंडल स्तर पर बिल्कुल भी मान्यता जो है वो रद्द नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आज नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पूरे प्रांत में जो है वो माननीय मुख्यमंत्री को डिमांड चार्टर सौंप रही है जिला उपायुक्तों या SDM के माध्यम से, और इसी क्रम में हमीरपुर जिला में भी आज जिला स्तर पर ADC को ज्ञापन दिया गया और इसी प्रकार विभिन्न SDM को भी आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है।